इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्लू कॉलर एम्प्लाइज और वाइट कॉलर एम्प्लाइज में क्या डिफरेंस है, और ये इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लू कॉलर एम्प्लाइज क्या होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स आर दोज हु परफॉर्म मैनुअल लेबर। द नेम कम्स फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन दीज वर्कर्स वोर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स ऑफ डार्कर कलर्स। ठीक है जी, ब्लू कॉलर वर्कर्स आर दोज हु परफॉर्म मैनुअल लेबर। ये लेबर का काम जो करने वाले हैं, मैनुअल लेबर का, इनको बेसिकली ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि जो लेबर क्लास होती है, इन सिंपल वर्ड्स आपकी जो जितनी भी लेबर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है जी, इन द नेम कम्स फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन दीज वर्कर्स वोर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स ऑफ डार्कर कलर्स। ब्लू डेनिम और ब्लू यूनिफॉर्म्स के ये नाम जो था ये निकला है अर्लियर 20th सेंचुरी पे, जब ये वर्कर्स जो हैं वोर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स ऑफ डार्कर कलर्स के, इनके डार्कर कलर्स के कपड़े पहनते थे, जैसा कि फॉर एग्जांपल ब्लू डिनम पहनते थे या ब्लू यूनिफॉर्म्स पहनते थे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ बैंक्स के अंदर जो आपके सफाई वाला अमला होता है उसमें ब्लू कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, और इसी तरह इब्राहिम जो फैब्रिक्स है, बहुत मशहूर फैसलाबाद की, उसके अगर आप फेस्टिवल लाइन में हेड ऑफिस में चले जाएँ तो उसमें भी जो उनका क्लीनिंग वाला अमला है सारा, वो ब्लू कपड़े पहनता है। ठीक है, तो इसमें ब्लू कॉलर को आप याद कर लें कि ब्लू कॉलर से मुराद ये है, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर में डिफरेंशिएट करना है। तो ब्लू कॉलर, चलिए ये एंड में डिस्कस कर लेते हैं। दे प्रेफर्ड दीज क्लोथ्स बिकॉज दे यूजुअली गॉट देम डर्टी एट वर्क एंड ऑफन कुड नॉट अफोर्ड टू वॉश देम फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ लो वेजेस। ठीक है, ब्लू यूनिफॉर्म उन्हें इसलिए पहनाया जाता था क्योंकि उनकी सैलरीज कम होती हैं, अगर उनको वाइट कपड़े पहनाएंगे तो वो फिर उनके कपड़े बार बार गंदे होंगे और वो नज़र आएंगे, तो डार्क ब्लू उनको पहना देते थे। अभी जो है, अभी भी डार्क ब्लू ही, मैंने जो बात आपको की बैंक्स के जो क्लिनिक का स्टाफ है और इब्राहिम फैब्रिक्स का, वो भी डार्क ब्लू ही पहन रहा है। ठीक है जी, और वाइट कॉलर एम्प्लॉइज वर्कर्स आर दोज हु वर्क इन एन ऑफिस। द नेम कम्स फ्रॉम ओल्डर टाइम्स टू व्हेन ऑफिस वर्कर्स यूजुअली वोर वाइट कॉलर शर्ट्स एट वर्क, सम ऑफ देम स्टिल डू। राइट, अच्छा जी, वाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो किसी ऑफिस में काम करते हैं। पहले ये चीज़ है कि ये स्किल्ड लेबर नहीं होती, ये ऑफिशियल वर्क करने वाले लोग हैं। द नेम कम्स फ्रॉम ओल्डर टाइम्स टू व्हेन ऑफिस वर्कर्स यूजुअली वोर वाइट कॉलर्ड शर्ट्स एट वर्क एंड सम स्टिल डू, यानी कि कुछ जो हैं नेम जो है ये पुराने ज़माने से निकला है, पुराने टाइम से, जब ऑफिस के वर्कर्स जो थे वो वाइट कॉलर शर्ट्स पहना करते थे, और सम स्टिल डू, और कुछ अभी भी ऐसा कर रहे हैं। इसकी मिसाल है क्रिसेंट मिल जो बहुत मशहूर है फैसलाबाद की, जिसके 17 प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर टोटल। तो इसका जो प्लांट है फैसलाबाद के अंदर, अगर आप उसके अंदर जाएँ, मैंने उसको फिज़िकली विज़िट किया हुआ है, तो उसमें जो ऑफिस स्टाफ होता है वो सारा वाइट शर्ट्स पहनता है। ठीक है जी, वाइट शर्ट्स उनको, उनका ड्रेस होता है, जिस तरह स्कूल यूनिफॉर्म होता है ऐसे उनका यूनिफॉर्म है वाइट शर्ट। ठीक है जी, तो सम ऑफ देम स्टिल डू में ये लोग आते हैं, ये क्रिसेंट मिल वाले जो हैं फैसलाबाद में, जो इनका एक इनका जो मिल है, बहुत बड़ी मिल है इनकी फैसलाबाद के अंदर, तो उस मिल के ऊपर, सरगोधा रोड के ऊपर, उस मिल में इनकी बेसिकली ये वाइट जो है शर्ट्स जो हैं अभी तक ये पहनते हैं। राइटर अपटॉन सिंक्लेयर वाज वन हु काइंड द टर्म। ठीक है जी, ये जिन्होंने इस टर्म को इजाद किया उनका नाम है अपटॉन सिंक्लेयर। ठीक है जी, काइंड से मुराद है कि जिन्होंने इसको इजाद किया था, वाइट कॉलर एम्प्लाई का जो नाम, जिस बंदे ने इजाद किया था। वाइट कॉलर जॉब एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैंक एम्प्लाइज, पीपल इन फाइनेंस जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स। ठीक है जी, वाइट कॉलर जॉब्स की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बैंक एम्प्लाइज, पीपल इन फाइनेंस जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स। अच्छा, आप देखें ये पिछला था ब्लू कॉलर और ये है वाइट कॉलर, तो इसमें जब आपने क्योंकि ये भूल जाती हैं चीज़ें समटाइम, तो इसको याद करने के, वाइट कॉलर वो लोग पहनते हैं जो कि वाइट कपड़े पहनना अफोर्ड कर सकते हैं, और ब्लू कॉलर को इससे याद कर लें कि ब्लू कॉलर मजदूरों को इसलिए पहनाया जाता है कि अगर उनको वाइट पहनाया जाएगा तो उनकी कॉलर गंदी हो जाएगी। ठीक है, या उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो इस वजह से ब्लू रंग जो है वो मजदूरों के लिए है, और वाइट कॉलर, वाइट जो कलर है वो है जो आपके ऑफिशियल स्टाफ है उसके लिए। तो इसी वजह से वाइट कॉलर एम्प्लाइज कहा जाता है ऑफिशियल स्टाफ को, और मैनुअल लेबर को कहा जाता है ब्लू कॉलर एम्प्लाइज।
ये था टोटल ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर एम्प्लाइज का जो है डिफरेंस और इनकी डिटेल्स। तो ताहिर महमूद मेरा नाम है, चैनल मेरा यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।